got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go, nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow, cause you're in. हेलो गाइज, तो मैं शुभनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2 और अभी हम अपने फ्लैट से निकलने वाले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गाइज मैसूर। ओके, अभी हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, मे बी हम मैसूर से ऊटी निकल जाएँ, क्योंकि पहले हमारा प्लान ऊटी का ही था, लेकिन रिसेंटली अभी हमने ऊटी को थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है। हम निकल रहे हैं मैसूर के लिए, मैसूर से हम ऊटी भी जा सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पहुँचने के बाद डिसाइड करेंगे। वैसे उन्हें मैसूर के लिए हमने बहुत सारी प्लेसेस सिलेक्ट करके रखी हुई है, हमें कहाँ कहाँ जाना है। हमारा 3 दिन का प्लान है, सैटरडे संडे और मंडे, तो हम 3 दिन में ट्राई करेंगे कि मैसूर और ऊटी को कवर करें, या अगर मैसूर की सारी प्लेसेस हमने घूम ली तो ऊटी भी जाएंगे। तो इस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं, चाहे वो फूड ब्लॉग हो, वहाँ के मैसूर के फूड की जो बेस्ट प्लेसेस होंगे हम वहाँ जाने का ट्राई करेंगे, और मैसूर की जो बेस्ट प्लेसेस होंगे हम वहाँ जाने का ट्राई करेंगे गाइज। और आपको सारी वीडियो सारे ब्लॉग आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे पार्ट में, जैसे कि मैंने मैंगलोर की वीडियो अपलोड करी थी। तो गाइज कनेक्टेड रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे इस ब्लॉग को, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम बिल्कुल निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप हमारा सामान देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा का बैग है, ये मेरा लैपटॉप वाला बैग है जिसमें मैं अपना डेटा ट्रांसफर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके नीचे हमारे एक और रेड बैग है, एक ये बैग है गाइस, एक ये बैग है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि हम घूमने नहीं जा रहे, घर बसाने जा रहे हैं, लेकिन अब जा रहे तो क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा सामान हो गया। अब मैं ये अकेले लेके जाने वाला नहीं हूँ, मेरे दोस्त साथ में जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग होने वाला है गाइस, इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा ना, जिससे बहुत सारे लोग पोज ऐसे से दे रहे हैं लेकिन मैं उनको कैमरे में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आयुष के पास, आयुष ग्रीन पी रहे हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं, आयुष ज़रा इधर आइए। हाँ, तो आप आयुष रेडी हैं चलने के लिए? हाँ, पूरी तरह से तैयार है हमारे अगले ट्रिप के लिए। जैसा कि पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं मिसिंग था और हमारे 1-2 साथी और मिसिंग थे, और साहब वीडियो कॉल से बाहर आ चुके हैं और सारे रेडी हैं जाने के लिए, आतंक मचाने के लिए एकदम। बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है, हम सी क्या होता है आगे। ट्रेन से जाने वाले हो, ट्रेन में क्या होने वाला है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे इस ब्लॉग को। और कुछ बोलना है? बस इतना काफ़ी है। ओके गाइस, कैसा लग रहा है भाई हमारा कैंसिल ट्रिप? फिर से हमने उसको रीजनरेट करा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम ट्रिप, आँख खुली आँखों से, आज लोग बंद आँखों से भी एंजॉय कर रहे हैं। और स्मृति, तुम कुछ कहना चाहोगे? आ रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है भाई, जिंदगी हो तो आए। और कुछ back to the start. I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. Hey guys, तो फाइनली हम बैंगलोर के रेलवे स्टेशन में आ गए। यहाँ हम वेट कर रहे हैं कावेरी एक्सप्रेस का। बहुत जल्दी कावेरी एक्सप्रेस आने वाली है कुछ ही चंद मिनटों में और हम यहाँ से निकलेंगे। गाइज हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमको लगता है ये ट्रिप हमारा बहुत ज़्यादा शानदार लाजवाब होने वाला है और हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं साथ में चलने के लिए। वो बिल्कुल विराजमान है यहाँ पे बैग और सामान के साथ ही। और मतलब हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए गाइज कि हम यहाँ बहुत जल्दी आ गए थे कि अब हम ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर से ट्रेन नहीं आई, तब से हम इधर तो टहल रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे। और मेरा एक ही काम है, सबसे बात करना और चैनल को सब्सक्राइब कराना। तो आप भी देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट ब्लॉग की अपडेट मिलती रहे। बाहुबली देवसेना को ले जा रहा हूँ। बाहुबली देवसेना को लेके जाते हुए छुप 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 ट्रेन चली। ये लोग कहीं मिल गए ना वापस बैंगलोर में। ठंड लग रही है। हाँ। अच्छा ए मैडम पीछे। तो फाइनली मैं हूँ अभी ट्रेन में और अभी हम मैसूर पहुँचने वाले हैं। मे बी 7 बजे तक पहुँच जाएंगे और ट्रेन ऑन टाइम है। ट्रेन अभी तक चल रही, ठंड भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सब, कैसा है ये सफर, मंजिलों सफर। कैसा है ये सफर। तो गाइस फाइनली हम मैसूर आ चुके हैं और अभी मैसूर आके हमने प्लान जो मैंने आपको बताया था अभी कि यार पता नहीं ऊटी जाने वाले हैं कि नहीं, तो फाइनली हमारा जो प्लान है ऊटी जाने का हो गया है। ऊटी जाने वाले हैं और बहुत जगह जाने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 3 दिन का पूरा एक फुल प्रूफ प्लान ले लिया है। अब उस प्लान को लेके अपन हम जाने वाले हैं, जो पूरा पैकेज है हमारा, उस पैकेज सब कुछ इंक्लूड है। पूरी कैब एक हमने बुक कर ली यहाँ पे, तो एक टैक्सी कैब हमारे साथ रहेगी, वो ड्राइवर जो भी रहेगा साथ में वो हमें हर जगह लेके जाएगा। पूरा पैकेज 3 दिन का हमने बुक कर लिया है, तो वो हमें पूरा मैसूर घुमाएगा, पूरा ऊटी घुमाएगा। और भी कोई प्लेस है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस टाइम। आयुष क्या नाम है जगह का दूसरी? क्या? कूनूर। कूनूर, ओके गाइस, तो कूनूर भी जाएंगे अपन, ठीक है। कूनूर, मैसूर, ऊटी सब घूमने वाले हैं 3 दिन में, ठीक है। प्रॉपर घूमने वाले हैं, ठीक है। तो ब्लॉग आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हर जगह के पता नहीं इस बार कितने ब्लॉग बनेंगे इस मैसूर, ऊटी, कूनूर के। तो जितना भी एक्सपीरियंस होने वाला है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख के, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इवन आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे देख के। चलिए चलो ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀನಾ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೋ ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ 9620 ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಊಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಜಿಲೋ ಕಿ ನಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಖಬರ್ ಸಫರ್ बांधे बेड़िया बताए सौ कहानियां तू रोशनी तू रंग है तू उड़ रही पतंग है बना है तू ढाने का सब आसमाना है आपको इस जमाने का हर पैतरा गुजर ऐसी राह से गुजर जी उठे मंजिलों की ना है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर सोने वे प्रेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल